अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नोकिया X5 की, जो कि रिसेंटली ही रिवील कर दिया गया है, जो कि चाइना के अंदर बेसिकली लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन मिलने जा रही हैं वो किसी भी मिड रेंजर मोबाइल फ़ोन से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम लोग प्राइस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किसी भी मिड रेंजर मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इस मोबाइल फ़ोन के बारे में जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं टेक उर्दू। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस मोबाइल फोन का डिजाइन देख सकते हैं। डिजाइन के अंदर आप लोगों को नोच मिलने जा रही है। बेसिकली जब से एप्पल ने अपना आईफोन एक्स लॉन्च किया है नोच के साथ, तो उसके बाद जो चाइनीज कंपनी थी उन्होंने नोच को लाजमी करार दे दिया है अपने मोबाइल फोन के अंदर। और हम आज के जितने भी मोबाइल फोन देख रहे हैं, जितने भी नए स्मार्टफोन देख रहे हैं, उनके अंदर हमें नोच नजर आ रही है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर नोकिया X5 के अंदर भी आप लोगों को नोच मिलने जा रही है, और नोच के अंदर आप लोगों को कैमरा होगा और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर मिलने जा रहे हैं। बेसिकली इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले आप लोगों को मिलने जा रहा है वो है 5.86 इंच के साथ। उसके अलावा 79.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले आप लोगों को अवेलेबल होने जा रहा है। उसके अलावा IPS डिस्प्ले होगा और 720p रेजोल्यूशन के साथ अवेलेबल होगा, और 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आप लोगों को काफी बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो काफी ज्यादा है। उसके अलावा 287 PPI डेंसिटी के साथ ये डिस्प्ले आप लोगों को अवेलेबल होने जा रहा है। बेसिकली ये जो डिस्प्ले है आप लोगों को काफी अच्छा मिलने जा रहा है, लेकिन इसकी जो PPI डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है। उसके अलावा दोस्तों, बढ़ते हैं जिस मोबाइल फोन के प्रोसेसर और रैम की जानी। तो प्रोसेसर के अंदर आप लोगों को मिलने जा रहा है मीडिया टेक का प्रोसेसर MT6771, और इसको दूसरे लफ्जों में आप लोग कह सकते हैं मीडिया टेक Helo P60। दोस्तों, ये Helo P60 काफी अच्छा प्रोसेसर है। इनका एक नया प्रोसेसर है। बेसिकली ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर की चिप टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल होगा। उसके अलावा 2.0 GHz की स्पीड आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रही है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को जो GPU मिलने जा रहा है वो है Mali G72। तो इस तरह से काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों को GPU और CPU के अंदर मिलने जा रहा है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को मिलने जा रहा है Android 8.1 ओरियो, और इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को Android 1 की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को जो जितने भी सिक्योरिटी पैचेज है नए आने वाले वो आप लोगों को अप टू डेट मिलते रहेंगे। तो इस वजह से ये गूगल की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करते रहें। उसके अलावा दोस्तों, बढ़ते हैं जिस मोबाइल फोन की रैम की जानिब। तो रैम के अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट अवेलेबल होने जा रहे हैं, 4GB रैम के साथ और 3GB रैम के साथ। बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी दो वेरिएंट अवेलेबल होने जा रहे हैं, 64GB और 32GB। 3GB रैम के साथ आप लोगों को 32GB इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल होगी, जबकि 4GB रैम के साथ 64GB इस मोबाइल फोन में आप लोगों को मिलने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरास की जानिब। तो कैमरा के अंदर आप लोगों को काफी अच्छा रियर कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है इस मोबाइल फोन के अंदर। बेसिकली यहां पे आप लोगों को ड्यूल रियर कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है 13+5 MP के अंदर। उसके अलावा 2.0 अपर्चर आप लोगों को मिलने जा रहा है, साथ ही आप लोगों को LED फ्लैश लाइट भी अवेलेबल होगी। इसी के साथ इसके अंदर आप लोगों को जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन और HDR पैनोरामा जैसे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा वीडियो जो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है 1080p 30 FPS के हिसाब से। तो इस वजह से कैमरा काफी अच्छा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर आप लोगों को बोके मोड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 5 MP का डेप्थ सेंसर आप लोगों को मिलने जा रहा है वो इस मोबाइल फोन को सबसे बेस्ट बना देता है। उसके अलावा दोस्तों, बढ़ते हैं स्मार्ट फोन के फ्रंट कैमरा की जानिब। तो सेल्फी शूटर आप लोगों को मिलने जा रहा है 8 MP के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को जो F2.2 अपर्चर के साथ ये कैमरा अवेलेबल होने जा रहा है। तो उससे जैसे दूसरे ऑप्शन भी आप लोगों को स्मार्ट फोन के अंदर मिलने जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को कैमराज के अंदर मैनुअल मोड या फिर आप लोग कह सकते हैं एक्सपर्ट मोड भी दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग कैमरा के ISO को भी मेनटेन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग पिक्चर्स क्वालिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के आप लोगों को कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों को काफी सारे सेंसर भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होने जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आप लोगों को इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होने जा रहा है। उसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पस भी आप लोगों को इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को USB Type-C 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर मिलने जा रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि आप लोगों को यहाँ पे USB Type-C प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों, बढ़ते हैं जी इस मोबाइल फोन के दूसरे
दूसरे फीचर्स की जानिब। तो दूसरे फीचर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, उसके अलावा काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को वाईफाई हॉटस्पॉट, डायरेक्ट वाईफाई और इस तरह से काफी सारे ऑप्शन के अंदर आप लोगों को ग्लोनस, बीडीएस, एजीपीएस जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल होने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की जानिब, जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को मिलने जा रही है 3060 mAh की बैटरी, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी आप लोगों को इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों ये मोबाइल फोन आप लोगों को तीन कलर्स के अंदर अवेलेबल होने जा रहा है, नाइट ब्लैक, उसके अलावा ग्लेशियर व्हाइट और बैल्टिक सी ब्लू आप लोगों को इस मोबाइल फोन के अंदर ये कलर्स अवेलेबल होने जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों की मर्जी होती है कि कौन सा आप लोग डिजाइन खरीदना चाहते हैं, यानी कौन से कलर्स के अंदर आप लोग मोबाइल फोन पसंद करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को एक मुकम्मल पैकेज मिलने जा रहा है, कैमरा काफी अच्छा है, उसके अलावा रैम और स्टोरेज आप लोगों को काफी अच्छी मिलने जा रही है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइसेस की जानिब। तो प्राइसेस के अंदर आप लोगों को ये जो मोबाइल फोन है, यानी 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा तकरीबन 15,000 से 16,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो मोबाइल फोन है ये चाइना के अंदर बिल्कुल इसी प्राइस रेंज के अंदर ही लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हो तो इसकी कीमत जो है वो 15,000 से 16,000 रुपए तक हो। उसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल फोन का एक और वेरियंट है 64GB और 4GB रैम के साथ, तो ये वेरियंट आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा तकरीबन 23,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों ये जो मैं प्राइसेस आप लोगों को बता रहा हूँ ये बिल्कुल वही प्राइसेस हैं जो कि जिस प्राइस के ऊपर ये मोबाइल फोन चाइना के अंदर लॉन्च किया गया है, तो ये बिल्कुल भी कंफर्म प्राइस नहीं है। हो सकता है कि जब ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो तो उस वक्त इसकी जो प्राइस है वो मुख्तलिफ हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यानी टेक उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।